अरे गुड्डू भैया, खाली खाली क्यों खड़े हो? आने जाने वाले रास्ते पे झंडे लगा दिए ना आपने? हाँ लगा दिए। हाँ ये इस कागज पर लिखे सारे आइटम आ गए है ना? हाँ आ गए। सब देख के बताइए। चार पांच पे चुनरी बांधनी है, झंडे का खंबा लगाना है, बड़े मालिक का अभी तक पता नहीं है। आ जाएंगे आ जाएंगे, एक बार कह दिया तो सही समय पर आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे सीताराम भैया। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते मालिक। हाँ भैया आ गए। अरे पटाखा बजा रहे, जल्दी बजा। नमस्ते भैया। नमस्ते, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? नहीं अभी टाइम है। आइए आइए बड़े मालिक। नमस्ते। पंडित जी माला डालिए। हाँ अब मुहूर्त कार शुरू करो। जी मैं हम लाओ। हाँ भैया जल्दी करो। लाओ लाओ जल्दी जल्दी लाओ। अरे लाओ हाँ, वहाँ लगा दो। हाँ आराम, हाँ आराम से। अब ये लीजिए। हाँ हाँ संभाल के, धीरे धीरे आराम से। हाँ अब मिट्टी ठीक तरह से डालो। हाँ हाँ देखो संभाल करके। पंडित जी आप शुरू कीजिए। सब कुछ ठीक ढंग से हो गया? हाँ, हो गया। उस वसूली का क्या हुआ? आज हो जाएगा भाई, जल्दी खत्म करके मुझे हिसाब देना। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी जी ठीक है। मालिक मालिक, 5 साल से आपने मुझसे चंदा नहीं लिया मालिक, इस साल ले लीजिए, मैं भी शामिल हो जाऊंगा, जो सजा देंगे मंजूर है। ठीक है छोड़ दीजिए, उसने अनजाने में बोल दिया, आप बड़े हैं, आप उसे माफ कर दीजिए। मैं माफ नहीं कर सकता, इस सीताराम को सिर्फ सजा देना आता है, माफ करना नहीं। उस दिन इसने जो बात कही थी वो भूल गए क्या? हाँ बनाने के लिए पैसा नहीं है तो मालिक किस बात के बने हो, जवाबदारी निभाओ। काम करने के लिए घर गिरवी रख दो या बेच दो, लेकिन काम किसी भी हाल में होना ही चाहिए। काम की बजाय कमेटी बनाकर पैसा वसूलो और अपना पेट भरो, यही कहा था निषाद ने? आज इसने कहा है कल कोई और कहेगा, फिर किस लिए ये कमेटी सोसाइटी और संस्था है? कुछ भी करो लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं भी और लोगों की तरह दर्शन करूंगा और अगर चंदा मांगे तो दे दूंगा। ऐसा क्यों? सुनो, कोई भी बनाने की शुरुआत करे उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? मंदिर बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी मालिक, मैं चलता हूँ। नमस्ते। ए, शिवा, गाड़ी निकालो जल्दी 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 जल्दी। मालिक सुनिए, मालिक मुझसे बोलने में गलती हो गई हो तो अब मालिक नाराज होकर चले गए। अरे नहीं लेंगे तो हम रख लेते, हट बे हट। क्यों भाई, मंदिर में हम आए, पूजा हमने की, भाई को लाकर सारी मेहनत हमने की, हमें ही जाना चाहिए, तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मैंने क्या किया है भाई? तुम क्यों टांगड़ा रहे हो? उसकी वकालत करके तुमको क्या मिलेगा? अब काम पूरा करो। मैं करूं? हाँ, पता चला ना, अपना अपना परिवार चलाने में हमारी हवा निकल जाती है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे से काम कैसे पूरा होगा? पिछले कई साल से हमारे गाँव के सारे छोटे बड़े काम वही करते हैं, अब सबको एक साथ मिला के कर दी ना गड़बड़। अब रहने दो ने सब, चल के बात करते हैं, आज एक बात कल एक बात, ऐसा करने वाले भी नहीं है। एक बार फैसला कर लिया ना तो अटल रहते हैं, जान चली जाए तो भी नहीं बदलते, चाहे उनकी जान जाए या दूसरे की, परवाह नहीं करते। पर अब क्या करें? मुझे पता है, अब ये काम एक ही इंसान कर सकता है। वो कौन है? लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से सारी मिर्ची उठा लो। आज कौशल्या दीदी बारिश में जरूर भीगेगी। पागल है तू, मेरी बेटी बारिश में नहीं भीगेगी, बारिश होते ही वो वहाँ से भाग आएगी। सब उठा के घर में रख दो। क्या अर्जुन,
पिताजी पिताजी, आज तो गजब हो गया, बारिश मेरा पीछा करती हुई आ रही थी। मैं कहीं भीगने जाऊँ इसके लिए भाग भाग कर आ रही थी, बारिश मेरा पीछा कर रही थी, एकदम टेंशन। बारिश से बचने के लिए भागते भागते एक बूंद के सर के ऊपर पड़े बिना मैं एकदम से घर के अंदर आ गई और बिल्कुल नहीं भीगी। आखिर बेटी किसकी है? सीताराम की। देखा कैसी है मेरी बेटी। अगर भीगी नहीं तो आपकी लड़की, भीगी होती तो मेरी लड़की। अच्छा जाओ एक कप कॉफी लेकर आओ। ए जाना। अरे तुझे तो नमस्ते बेटी। नमस्ते बेटी। नमस्ते, एक मिनट रुकिए, मैं पिताजी को आपसे मिलना है। ठीक है अंदर आइए। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं है। मंदिर में एक छोटी सी बहस हो गई। मालिक ने तुरंत सेक्रेटरी का पद छोड़ दिया और कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और सारा हिसाब छोड़कर वापस चले आए। बेटी कैसे भी करके तुम अपने पिताजी को मनाओ ताकि वो सेक्रेटरी का पद संभाल लें। देखिए ये सच है, मेरे पिताजी की मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं कुछ भी कहूँगी तो वो मान लेंगे, ये सच है। लेकिन जो बात मेरे पिताजी को पसंद नहीं उस विषय पर मैं उनसे बात नहीं कर सकती। पर बात तो सुनो। मेहरबानी करके मजबूर मत करिए, जो बात मेरे पिताजी को पसंद नहीं उस बात को मैं सपने में भी उनसे नहीं कह सकती, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या, अभी तक सुरेश का कोई पता नहीं। आ जाएगा माँ। हाँ हर साल तिरुपति जाने के लिए दिन में हजारों बार बोलेगा लेकिन आएगा नहीं, इस साल भी ऐसा ही लगता है। ऐसा उसका कौन सा जरूरी काम आ गया? हाँ उसके कौन से नाते रिश्तेदार है, अकेले ही तो रहता है, आना चाहिए ना। ए, ये तो क्या बात कर रही है। हाँ क्या वो मेरा कोई नहीं, इसी बात से उसे भी अफसोस है, हम ही उसके रिश्तेदार है, तू भी ना। छी ओके सॉरी माँ। ठीक है सुनिए, टिकट कहाँ है? मैंने उसे संभाल कर रखा है। अच्छा हम लोगों के पास बैग रखे, वो कहाँ चला गया? नहीं माँ, वो ड्राइवर को कार देके जल्दी आ जाएगा, मैंने उसे कहा, चिंता मत करो। अच्छा ये तूने ही उसे कहा होगा, तू भी ना, एक तो टाइम हो गया है और गाड़ी भी चलने वाली है। सुरेश ने वादा किया है कि वो आ जाएगा माँ, जरूर आएगा वो। नहीं माँ सुरेश नहीं आएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था। छोड़ो जरूर आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। देखो वो आ गया। गीता सब लोग शहर से आ गए हैं। अरे संभाल के संभाल के। अरे क्या कर रहे हो? आराम से आराम से। लगता है शहर से प्रमिला आ गई। अरे संभाल के बच्चों, जल्दी चलो। अरे आराम से बच्चों, आराम से निकलने दो। आ जाओ बच्चों। दादाजी दादाजी दादाजी। अरे संभाल के, दादाजी को चोट लग जाएगी। पिछले साल देखा था तब तो ठीक ठाक थे, अब तो पेट काफी फूल गया, लगता है जुड़वा बच्चे हैं। देख रही हो कैसी बात कर रहा है? प्रमिला कैसी हो गई? दादी माँ को क्या हो गया, पिछले साल तो 72 किलो की थी, इस साल 92 किलो की हो गई है। क्या बेटी, दो दिन पहले ही आ जाना चाहिए। हाँ लेकिन टिकट नहीं मिल रही थी। क्या बताऊँ, तुम्हारे दादाजी एक हफ्ते पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम सबको मंदिर के दर्शन करवाने के लिए उनके मन में बहुत ही उत्साह है, उनको बहुत मजा आएगा। हे सुरेश, अरे वहीं क्यों खड़ा हो गया, आजा। अरे सॉरी यार,
सबसे मिलने की खुशी में तुझे भूल गया। सॉरी। तुम्हारी खुशी में खलल ना पड़े इसलिए दूर खड़ा था। बैग रख दो ना, वो लोग लेंगे। ओके ओके। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटी? बस ये आखिरी साल है। पास हो जाओगी तो। दादाजी। अरे दादाजी तो कब से पास हो गए? देखिए ना दादाजी। दादाजी, ये हमारा दोस्त सुरेश, इसे तिरुपति घुमाने लाया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादाजी। सुखी रहो बेटा। सुरेश, तुमने मेरे दादाजी से आशीर्वाद लिया है, अब लगता है तुम जिंदगी में बहुत सफल होगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस दादा के लिए तुम क्या लाए हो बेटे? अरे सॉरी दादाजी, प्लीज दादाजी, भूल गया दादाजी। कैसी बात कर रहे हैं आप? कितना प्यारा बच्चा है और आप उसे सता रहे हैं कि क्या लाया है मेरे लिए? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या दादाजी, दादाजी को डांट रही है। तू क्यों मेरी दादाजी को डांट रही है? ए, तू मेरी पोती को क्यों डांट रहा है? तू मेरे लिए उसे क्यों डांट रहा है? तू यहाँ क्यों प्रदूषण फैला रहा है? पंचायत है तो फटाफट बोल दीजिए, ऐसे एक दूसरे का मुंह देखेंगे तो कैसे चलेगा? जल्दी से आप लोग कोई फैसला कीजिए। रुक बे, महेंद्र सिंह ने नीता को बेइज्जत कर दिया है, जानबूझकर गलती की है। अब बेइज्जती की है तो उसे शादी करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो पंचायत को 20,000 रुपए दंड देने पड़ेंगे। आप क्या कहते हैं? ठीक कहा ना? ठीक है, तुम्हें मंजूर है? ये तो अन्याय है जी, बेइज्जती करने वाले के साथ शादी करूं, फिर शादी के बाद वो फिर से मेरी बेइज्जती करे तो मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मुझे शादी नहीं करनी। अरे पापियों, क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो? ये शादी करवाना गुनाह है। सरपंच जी, फैसला बदल दो। ए सरपंच, मेरा सुपर शेर पोता विदेश से आ गया है, अब भी छुट्टी कर देगा सबकी। दादी। ए प्रदीप, कैसा है रे? प्रदीप, तुम्हारा बेटा बुला रहा है, मिल के आता हूँ। हाय डैडी। अरे बेटे, तूने तो कहा था कि कल फॉरेन से लौटेगा। हाँ डैडी, मैं जिस फ्लाइट से आ रहा था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पेट्रोल भराया भी नहीं उड़ा दिए, फ्लाइट आके बाजू में ही लैंड हो गई, वहाँ से मैं लिफ्ट लेके यहाँ आ गया। इतना क्राउड क्यों इकट्ठा कर लिया है? सब लोगों को पेंशन बांट रहे हो क्या? फैसला कर रहा हूँ बेटा। फैसला? आपने वकालत का पास कर ली डैडी? मैंने कहा वकालत पढ़ी है? तो फिर किसी सीनियर लॉयर के पास जूनियर लॉयर होके प्रैक्टिस की है? मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। नहीं तो फिर क्या कोर्ट के बाहर चाय की दुकान खोली थी क्या? चुप रहो तुम लोग, पुश्तों से परंपरा है, हमारा परिवार ही सबका फैसला करते आ रहा है ना। यहाँ ये सब चल रहा है, केस क्या है? महेंद्र सिंह ने नीता को बेइज्जत कर दिया है। केस? हाँ। तो क्या फैसला? जबरदस्त फैसला किया है मैंने। क्या? बेइज्जती करने वाले को उससे शादी करनी पड़ेगी। हाँ। और इतना ही नहीं, 20,000 रुपए पंचायत को दंड के रूप में देने होंगे। शाबाश, धन्यवाद। नीता, तुम इस बारे में क्या फील कर रही हो? कैसा फैसला है जी, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, तो महेंद्र सिंह, तुम इस रेप केस के बारे में क्या बोलते हो? मेरी जिंदगी में तो ऐसा होता ही रहता है। तो क्या तुम ही ने इसका रेप किया है? हाँ जी। पंचायत ने फैसला किया कि तुम इससे शादी करोगे? नहीं की तो 20,000 रुपए अपराध का दंड भर दो ऐसा का। ओहो, बलात्कार की सजा से बचने के लिए 20,000 रुपए भरोगे? नहीं। हाँ? पिछले पंचायत में 20,000 रुपए ऑलरेडी भर चुका हूँ। अरे रे रे, रेप की एडवांस बुकिंग करवाई है? हाँ जी। छूट जाओगे तो तुम तो दिन रात रेप ही करते रहोगे। महेंद्र सिंह से पूरा गाँव थर्राता है। महेंद्र सिंह, सुनो सब लोग, महेंद्र सिंह को सुधारने के लिए और कोई दूसरा इस गांव में रेप ना कर सके, इसके लिए मैं एक फैसला सुनाऊं क्या? अरे हाँ, अरे मेरे फैसले में तू टांग मत अड़ा। मिस्टर सरपंच। सरपंच कुछ भी हो, सारी पब्लिक मेरे साथ है, इसलिए मेरे फैसले का इंतजार करो। देखने में हीरो लगता है, अपने साथ जुड़ेगा क्या? मुझे विलेन ही रहने दो। बेटे महेंद्र, इंग्लिश का एक ही शब्द है जो मुझे पसंद नहीं है, सॉरी। थोड़ा नीचे कीजिए सर, सर। इतना नीचे करूं? थोड़ा और नीचे सर। और इतना नीचे? थोड़ा और नीचे सर। इतना नीचे? भाग बे भाग, औरत को इतना बेबस समझ लिया क्या? कैसा फैसला किया दादी के बेटे? ये क्या कर दिया? महेंद्र को शूट कर दिया। गोली कहाँ पर मार दी तूने? वही तो बताया ना। ये गलत किया तूने। जब सजा कठोर मिलेगी तभी अपराध कम होगा। ए, गाड़ी रिपेयर होगी कि नहीं? मालिक, लगता है ये ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ ठीक है, बस से जाता हूँ। मालिक क्या बस से जाएंगे? तो क्या पैदल चल के जाऊँ? जी तुम जल्दी से गाड़ी ठीक कराओ। ठीक है मालिक। सुनिए, ये बस कोयम्बटूर जाएगी? हाँ, क्या जाएगी। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे चोट लगी बेटा, माफ कर दो, गलती से लग गई। धक्का देके कहते हैं माफ कर, कैसे लोग हैं? उन्होंने माफी मांग ली ना, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? आपको क्या पता कि नीचे क्या हुआ है? बेटा आप चुप रहिए, मैंने कहा ना कि गलती से लग गई, मुझे माफ कर दो। नमस्ते
नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते, बैठिए आप लोग। नमस्ते मालिक। नमस्ते, बैठिए। क्या चाचा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मालिक, अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ, आपके घर आकर निमंत्रण देना है। जरूर आइएगा। आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से हो गया। शुक्रिया। हाँ नमस्ते। सुनिए, कोयम्बटूर आएगा तो बता देंगे ना? जरा सा मालिक। हाँ आइए। चाचा जी, ये आपका थैला। सॉरी। अब तो खुश हो गए ना? गिर गया मैं, नीचे गिर गया। खुश हो ना तुम? नहीं, वो अनजाने में। मेरा हाथ भी अनजाने में ही लगा था, लेकिन तुम्हारा पैर अनजाने में नहीं, जानबूझकर मारा गया है। मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। मैं जानता हूं तुम ऐसा ही कहोगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुमने जानबूझकर मुझे मारा बदला लेने के लिए। अरे वो तो मैं कब का भूल गया, मेहरबानी करके मुझे गलत ना समझिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूं, तुम गलत हो। नहीं मैं, तुम गलत ही हो। गलत हो। वो पूरा ड्रॉर गंदा कर रखा है। पागल, पागल कहीं का। उस पागल को छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे पिताजी से कहना चाहिए था। वही बस में चार थप्पड़ मारे होते ना, उसे पिताजी से माफी मांगनी चाहिए थी। तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ मैं टेंशन लूंगी, मेरे पिताजी के साथ कुछ गलत होगा तो मुझे टेंशन आएगा ना। मेरे पिताजी ही मेरे लिए जरूरी है, मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है बेटा, तुम सही हो। कॉलेज का टाइम हो गया है, जाओगी? हे भगवान। बचा ले। हे भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले भगवान, बचा ले। आई मला को डाल दो, आल तू मला ठेवा, एकला को डाल दो, बचा ले भगवान, बचा ले, बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे कपड़ों को बचा ले। लोग ना पता नहीं क्या समझते हैं। अरे नहीं नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कभी कभी अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। अरे बेटी महारानी, ये कल के सन टीवी के प्रवचन का असर है क्या? नहीं नहीं, मैं रास्ते से आ रही थी तो अभी एक गाड़ी जोर से आई, मेरे ऊपर छींटे गिरेंगे ये सोचकर मैं डर गई, लेकिन एक बूंद भी मेरे ऊपर गिराए बगैर गाड़ी क्रॉस होके चली गई। देखा, मिस यूनिवर्स को देखकर उसने बिना छींटे उड़ाए स्लो मोशन में कार ले ली। क्या जेंटलमैन है। ऐसे चिल्लाओ मत। ये यहाँ 4440। एक्सक्यूज मी, 4440 ये है। देख तुझे एक ही पल में सांसें थम गई, देख तेरी एक ही झलक ये जान ही जम गई, दिल मेरा तुझको देख के मचल गया, मन मेरा प्यार में तेरे पिघल गया, इस दिल में समथिंग समथिंग होता है, तेरे प्यार में ये दिल मेरा धक 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 करने लगा। क्या हुआ? हेलो, हाय, कैसे हो? एक मिनट रुकिए, आप कौन हैं, क्या चाहिए, क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हू आर यू? आप 4440 है ना? 4440? ओह सॉरी, आपने मुझे पहचाना नहीं सर।
उस दिन याद है ना, अब कार मारे बिना, ओ सॉरी, छीटा मारे बिना, अब मैं क्या बक रही हूँ सर, वो क्या बात कर रहे, कौन सी कार, कौन से छीटे? अब क्या सर, इतनी जल्दी भूल गए? अब आप मुझे हाथ हिलाकर गए थे ना। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या किसी अनजान से ऐसे बात करते हैं? छे, अच्छे कपड़ों और स्टाइल में किसी को देखा नहीं और कहना शुरू कर दिया, क्या सर आप मुझे जानते नहीं, वहाँ मिली थी, यहाँ मिली थी? क्या जनाब, आप मुझे मजाक कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, सच्ची में। अभी क्या चाहिए आपको? सर सच में क्या आपको मैं याद नहीं आ रही हूँ? कार मेरी कार है, उस दिन छींटे मारे बगैर मैं ही गया था, अब क्या करना है? अरे रे 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 रे, लगता है बहुत अत्याचार हो गया। अगर मुझे पहले पता होता ना तो उस दिन छींटे मार कर गया होता। क्या सर आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या क्या सोच रही थी और आप क्या क्या बोल रहे हैं। अब क्या करना चाहती हो? थैंक्स बोलना है। इतना ही ना? हाँ। बोलो। थाउजेंड्स ऑफ थैंक्स। थाउजेंड्स ऑफ थैंक्स? हाँ। फिर लैक्स ऑफ थैंक्स? हम्म। और बस उतना ही। तो आप जाओ यहाँ से। बहुत बड़ा घमंडी इंसान है। थाउजेंड्स ऑफ थैंक्स। किस सोच में डूबे हुए थे? पता है उस लड़की के बारे में ही सोच रहे थे ना। कौन? मैं? वही मेरे बारे में सोचती होगी। झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरे बारे में ही सोचती होगी, नहीं तो एटलीस्ट बात तो करती होगी। हाँ, 4440 देख ली मैंने। क्या देख ली? बताना क्या हुआ। कौशल्या, अगर तूने सच बोल दिया ना, ये तेरा भुर्ता बना देंगी, उस मैटर को उसी का उल्टा कर दे, छोड़ना मत, रंग जमा ले। ए, बताना। मैं अगर बताऊंगी ना तो तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, मेरी आंखों से देखोगे तभी भरोसा आएगा, और पूछोगी वो है कहाँ। अरे अरे सुरेश, उसे कहाँ मिले, क्या बात की? रोज देखता हूँ उसी बस स्टॉप पे, फोन करते हुए पलट के देखा तो मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी। फिर क्या हुआ? मुझे भी बड़ा शौक लगा, सब के सामने वो मेरे पास ऐसे आ गया जैसे मुझे पहले से जानता हो, बिल्कुल करीब आ गया। पास में आपके? क्या कहा उसने? आपकी हॉबीज क्या है जान सकता हूँ? सिगरेट पीना, शराब पीना, लाइन मारना, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई उसने। अब ये सब बातें मैंने तो उससे नहीं पूछी थी। गुस्ताखी माफ, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम ऐसी ड्रेस कब पहनोगी? समटाइम मॉडर्न कपड़े, ये वॉच, चेन, अंगूठी, कूलिंग ग्लास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं बहुत सिंपल हूँ। गिड़गिड़ा रहा था। अरे पर वो हाँ? तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा क्यों रहा था? और किस लिए? थैंक्स बोलने के लिए, उस दिन उसके ऊपर छींटा मारे बिना चला गया, उसके लिए थैंक्स बोलना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है जल्दी से बोल के चली जाओ, उसने फौरन मुझे पलट कर देखा, फिर धीरे से वो मेरे बहुत नजदीक आ गई, मेरा बदन एकदम कांपने लगा, ये देख के मुझे बहुत टेंशन होने लगा, मेरे हाथ पैर हिलने लगे, वो मेरे और करीब आई, क्या करने वाला है, मुझे डर लगने लगा, अचानक दीवानों की तरह मुझे आगे बताओ ना, तुरंत बाहों में लेके किस कर दी। सच में? हाँ। क्यों? पूछा था ना, बिल्कुल पूछा था, तब वो मुझसे ये कहने लगा, हमारे गांव में ऐसे ही थैंक्स बोलते हैं। इंटरेस्टिंग। ये पटाखे की आवाज कैसी है? कौन फोड़ रहा है पटाखे? अरे अरे पता तो लगाओ, कौन पटाखे फोड़ रहा है? तुम बस पूछती रहना, अरे पता करो कौन फोड़ रहा है पटाखे। अरे रुको, कोई तो इसे रुको, मैं तो बहरा हो जाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में फटाके फूटे हैं। अरे पता नहीं किसने फटाके फोड़े हैं ये। माँ,
ये पटाखे किसने फोड़े? किसने फोड़े ये? कौशल ले आई है। कौशल्या? ए कौशल, कौन है? मेरे रिश्तेदार की लड़की है, यही कोयम्बतूर में रहती है, वही आई है। ओ, उसके आने के लिए पटाखे फोड़े? हाँ, ये पटाखे उसी पागल लड़की ने फोड़े हैं, हमने नहीं फोड़े। फिर? हाँ, सब उसी ने फोड़े और फिर हंसते हुए सामने आ गई। खुद के लिए पटाखे फोड़े? वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पकड़ सकती, मुझे नहीं। अरे रुक रुक रुक, एक मिनट रुक, नीलू। अरे नीलू, छींटे वाली लड़की 440। ये मेरा भ्रम है, सच हुआ तो ये नहीं होनी चाहिए। अरे ओ माय गॉड, अरे अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं, अब ये अचानक मैं देख के डर गई ना। क्या तुम सुरेश को पहले से जानती हो? नहीं जानती हूँ। ओके कौशल्या, यही है सुरेश। जानती हूँ। जानती हो कैसे? नहीं, अभी तुमने ही बताया ना। हे सुरेश, ये है कौशल्या। पता है, मैंने कहा ऐसा ही कहोगे ना। नहीं, तुम्हारी माँ ने बताया था। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मैं आता हूँ। मैं भी आती हूँ। गया। अरे रे, मर गया तू सुरेश, बिना सोचे समझे लंबी लंबी हाँक दी तूने, किस करने की कहानी भी सुना दी। अरे बेटा सुरेश, फंस गया तू। वो दोनों एक दूसरे से मिल गई है, निकल ले। बस बस, मैं डाइट पे हूँ, 8-10 डोसे मेरी लिमिट है शंकर। ए सुरेश, कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं खा रहा हूँ। रुको, हम क्या तुम्हारा खाना खा लेंगे? आओ यहाँ बैठ के खाओ। शर्माओ मत सुरेश, कौशल्या भी अपने जैसी ही है, जॉली टाइप। भुगत चुका हूँ। ए, ये क्या है टिफिन बॉक्स में? अरे भूल गई, करण जी है, माँ ने देके भेजी है वहाँ से। सुपर्ब, थाउजेंड्स ऑफ थैंक्स। क्या, थाउजेंड्स ऑफ थैंक्स? ये सब सुरेश ने ही सिखाया है। सुरेश, ये सुन के ये हालत है, तो वो कार मैटर सुनेगी तो एकदम ही। ए, गीता, क्या कह रही हो तुम भी? अरे कार मैटर कुछ नहीं है। क्या कार मैटर? वो सब छोड़ो, ये हमारे बीच की बात है, प्लीज प्लीज। क्या टेंशन ले रहे हो सुरेश? कौशल अपनी फ्रेंड है। क्या है वो कार मैटर? बारिश हो रही थी, रास्ता पानी से भर चुका था, कार में हीरो था यही सुरेश। पानी चीर के कार बहुत स्पीड में जा रही थी, आगे लड़की थी, एक तरफ कार एक तरफ लड़की, कार लड़की कार लड़की, क्या किया जाए। कार नजदीक आ गई और वो लड़की टेंशन में आ गई। तू बता, तू क्या करती है? चुप नहीं रह सकती। एग्जाम्पल यार, करेगी क्या, गाड़ी सामने से आ रही है, बारिश का पानी भरा हुआ है, तो वो हटके खड़ी हो जाएगी। जानती हो उस लूजर ने क्या किया? लूजर? सुरेश, ऐसे 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 ही कर रही थी ना वो लूजर। फिर क्या, स्पीड से कार आ रही थी, उस लड़की को देखते ही स्लो हो गई। फिर उस लूजर ने क्या किया? और वो मुझे थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। क्या कहा? उन्होंने मुझे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। सुरेश, उसने थैंक्स कैसे कहा? उसी में तो किक है ना। क्या कहा? किक है? हाँ किक। जैसे ही उसने सुरेश को देखा, उसे पकड़कर किस कर दिया। अरे पापी, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मुझे छोटा कर दिया। कौशल्या, छोड़ना मत, अभी से संभल जाओ। शॉक हो गई ना? शॉक हो गई। ऐसे मैं भी शॉक हो गई थी। 4444, तू गया काम से। और क्या, वो लूजर सुरेश के पीछे पागलों की तरह घूमने लगी, कभी यहाँ से देखती, कभी वहाँ से देखती, कभी आगे से, कभी पीछे से। वो तो बिल्कुल पागल हो गई थी सुरेश के पीछे। मुझे तो लगता है पूरी की पूरी फैमिली ही पागल होगी। हेलो, नहीं वो, आप बैठिए जी। किस किया था ना? ये सब खुद को बड़ा साबित करने के लिए कहा था, या ये सब होना चाहिए इस इच्छा से कहा था? नहीं, हाँ मजाक में मैंने उससे कह दिया था, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। ये किस बात की सॉरी? उस लूजर से सॉरी कह रहे हो? अरे बहुत नहीं, वो बड़ी डींग मारी थी ना तुमने यहाँ पर, वो सुन लेगी। तुम कैसे खेल समझ रहे हो? ऐसी बात नहीं दादा,
अरे रे रे रे, प्लीज प्लीज, वो तो मैंने ऐसे कह दिया था मजाक करने के लिए। डर लग रहा है ना? हाँ। कैसे तुम लोग इतना बड़ा झूठ बोल देते हो? छी 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 छी, कितना बड़ा झूठ! छी छी छी, बिना मतलब के इतना बड़ा झूठ? नहीं नहीं, ओ गॉड, कोई करोड़ रुपए देना तो भी मैं इतना बड़ा झूठ ना बोलूं? अगर मुझे झूठ बोलना पड़े या कुएं में कूदना पड़े तो मैं कुएं में कूदूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी फिर भी। नहीं, वो बात नहीं है। ओके, कुछ भी हो, उस दिन मुझ पर छींटा गिराए बिना तुम चले गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जाओ यहाँ से। थाले? हाँ? जाओ। प्रदीप, ये क्या हो रहा है मुझे? तुम्हारे लिए ई रोड क्लियरिटी ऑप्टिकल से चश्मा लाके दिया है। अब क्या बोलती हो, दिख रहा है तुम्हें? हाँ। ठीक है, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट करो। अरे रे रे रे, हाँ? चुप हो जा मेरी मुन्नी। अरे रे, तुम्हारा गाना सुन के ऊपर से भी कोई गा रहा है, चलो आओ देखते हैं कौन है। अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरी मुन्नी, पीले पीले जहर का दूध पी के तू मर जा मेरी बेटी, अगले जन्म में अनाथ पैदा होगी तो धरती माँ तुझे स्वीकार कर लेगी। पीले पीले जहर का, जहर का दूध पिलाने वाली अब तू जाके सेंट्रल जेल में खाएगी दाल और रोटी। मैं देख रहा हूँ तेरा बहुत दिन से यही काम चल रहा है, बच्चे को स्लो पॉइजन दे रही है क्या? हाँ, जहर का दूध पिला के मार मार डाल, मैं तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगा। What the hell are you thinking, you puriya? You killing bachas, chota chota bachas. Don't run, puriya. इस जहर का दूध पिला के मारने दे रहा है मालिक। ओ डैडी, तो इस सब फसाद की जड़ तुम हो? हाँ, लड़की पैदा होने पर जहर का दूध पिलाने का ही इस मिट्टी का रिवाज है, उसे पाल पोस कर बड़ा करके शादी ब्याह करने तक सब कुछ खत्म हो जाता है। जा भाग। ओहो, लड़की जाति से इतनी नफरत है आप लोगों को? इसी तरह हमारे बुजुर्ग सोचे होते तो क्या होता, हमें इंदिरा गांधी मिलती, मदर टेरेसा, किरण बेदी। क्यों, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बच्चियों को प्रणाम किया है। अरे मैं तो कहता हूँ लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। इतना ही क्यों, विजय कांत आईपीएस हो तो? वो पुरुष जाति के हैं। छोड़ ना बे, फ्लो में निकल गया। ए, बेकार में बहस मत कर। हा? लड़की के पैदा होने पर जहर का दूध पिलाने का ही यहाँ का रिवाज है। हमारे फैसले पे लात मारता है। मिस्टर सू, सरपंच। अच्छा वो आपने बता दिया, वरना मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाता। जहर का दूध देना है बड़े शौक से दो, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग इससे पहले एक लड़की को जहर का दूध पिलाना भूल गए हो, उसे मैं अभी पिला दूं क्या? आराम से दे सकते हो। कौन है वो लड़की, कितने महीने की? Just 71 years old. है, ऐसे तो वो 60 साल की बुढ़ी है। कहा तो इसी को पिलाना है। दूध पीले बूढ़ी, मर जा बूढ़ी, दूध पीले बूढ़ी। अरे रुक 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 रुक, अरे अरे बेटा, अब तुम चुपचाप अमेरिका चले जाओ और हमारे सरपंच को फैसला कर दे। तू कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला? बिना मतलब के इस अंगूठे को यहाँ मत आने दे, वरना एक साउंड आएगा। लेकिन वो वहाँ कैसे जाएगा? ये देख, आ गया। साउंड नहीं आया, अभी आएगा बे। ए, तुझे इस घर में तो क्या, इस गांव में भी रहने की इजाजत नहीं देंगे, ये पंचायत का फैसला है। अरे जा रे, मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा। जा, यहाँ से दिमाग मत खा। ये तो हाई कोर्ट के जज जैसे फैसला सुना के जा रहे हैं, और इनके साथ जाने वाले भी पागल है ना दादी? अरे बेटा, क्या इसमें सच में जहर वाला दूध है? तुम भी ना दादी, ये जहर वाला दूध नहीं है। ओ? ये तो मूंछ दर्द सूजन उजन मिटाने वाला दवाई का दूध है। पियो पियो। मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी। क्यों झगड़ा कर रहे हो, अभी 10 अंगुलियां बाकी है ना। कौशल्या, कौशल्या, मैंने तो तुम्हें उस दिन ही माफ कर दिया। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। फ्रेंड्स? कोई रानी प्रीति है। प्रीति रानी, आपने उनको देखा है क्या? हाँ, मैंने उनको हॉल में बिठा दिया। मैं तो फंस गई अभी। दीदी, मैंने दीदी, हाय कौशी। हाय हाय हाय, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, चलो बाहर चल के बात करते हैं। चलो चलो चलो। ये क्या, हाथों में मेहंदी लगाई, कुछ स्पेशल है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बच्चे लोगों ने लगा दी है। छुट्टियाँ कैसी बीत रही है? अच्छी अच्छी बीत रही है। आओ ना बाहर चलते हैं। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मुझे अर्जेंटली बाथरूम जाना है। आओ ना बाहर चलते हैं। क्या बात कर रही है? सॉरी सॉरी सॉरी। ए, क्या हो गया तुझे? हम आए हैं तब से देख रहे हैं, बाहर जाके बात करते हैं, बाहर जाके बात कर रहे हैं, यही बोल रही हो? वही तो मैं भी कह रही हूँ, चलो बाहर चल के बात करते हैं। मुझे लगता है उस किस करने वाले ने कुछ किया है। क्या किस? अरे वही, वो कार वाला लड़का, 4440। 4440? अरे हुआ क्या, वो तो बता। कुछ भी नहीं पता है। अरे उस दिन तुम कॉलेज में नहीं आई थी ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। बताना। क्यों चुप कर रही हो, मजा आएगा सुनकर। अरे
अभी उसकी क्या जरूरत है, चलो ना बाहर चल के बात करते हैं। ये बात टाल रही है, ए तू ही बता ना। अरे वो 4440 इसे देखते ही उसके पास आकर खड़ा हो गया। खड़ा होके क्या पूछा पता है? मुझे जानती हो? इसने कहा नहीं, उसने कहा मैं वही हूँ जो छीटे उड़ाए बिना चला गया था, तुम्हारा सुपर हीरो। और पता है इन्होंने ही हमें यहाँ बिठाया था। कौन है जनाब? वो मैं बताता हूँ, अभी तक जो बात चल रही थी कार पार्टी, झोल पार्टी और 4440 वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। कौशल हम लोगों को अर्जेंट काम याद आ गया, हम तभी जाने वाली थी है ना। चलो हम चलते हैं। हाँ ये कहावत तो सुनी है कि सफेद कौवा उड़ता है, लेकिन तुम कह रही हो कि कौवे के साथ बच्चा भी उड़ रहा है? कैसे कैसे कैसे? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, करोड़ों रुपए के लिए भी नहीं। हरीशचंद्र की औलाद, कोई कहे कि झूठ बोलोगी या कुएं में कूदोगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, यहाँ पास ही कुआं है, बताओ कैसे कूदोगी? जिंदगी में ऐसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। बेशरम तुम्हारे लिए छोटा है, तुम तो बेशर्मों की नानी हो। छे ए ए ये क्या, ये क्या? अरे प्यार तो मैं तुमसे सचमुच का करती हूँ। प्यार? ए कौशल्या रुको, ए रुको तो। नहीं प्लीज नजदीक मत आओ, नहीं नहीं प्लीज नहीं। निकल ले बेटा अब। सुरेश क्या कर रहे हो? आज मदर्स डे है इसलिए माँ को विश कर रहा हूं। ओह ये तुम्हारी माँ है? मुझे यही बताया गया है। क्या कह रहे हो? बचपन से मुझे यही फोटो दिखाई गई, मैंने पूछा क्या ये माँ है तो कहा हाँ। कम से कम माँ का फोटो तो है, पिताजी का तो वो भी नहीं है। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आगे से किसी बच्चे को अनाथ मत बनाना। इन फूलों को वहां रखो। दादाजी, दादाजी क्या बात है, घर एकदम सजा हुआ है, कुछ कर रहे हैं क्या? प्रार्थना। क्यों? शुभ ग्रहों की प्रार्थना बेटा। इस गांव को यम्बतूर में फूलों के गुच्छे मिले या ना मिले, लेकिन हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। फूलों की खुशबू से पूरा घर महक उठता है, यहाँ का पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है।
सारे कार्य अच्छे ढंग से हो इसीलिए हम लोग पितरों की पूजा करते हैं बेटा। यह है मेरी बहन, इसका नाम विजयालक्ष्मी है। 92 वर्ष की उम्र तक स्वस्थ रही, उसके बाद अचानक एक दिन स्वर्ग सिधार गई। यह हमारी छोटी माँ, इनका नाम सरस्वती है। कम उम्र में ही बिना ब्याह किए ही स्वर्ग चली गई। यह हमारे छोटे दादा की पत्नी है, इनका नाम मंदाकिनी है। यह बहुत ही सुंदर थी। ये भी मेरी बेटी की जैसी है। क्यों बेटी कौशल्या, अब तो खुश हो ना? पूजा शुरू करनी है। अरे चिल्लाओ मत, इधर आओ, इधर लाओ मुझे दो। आंख क्यों भर आई बेटा? तुम्हारा कोई नहीं है यही सोच रहे हो ना? सारे दुखों का कारण मन ही होता है। अगर अब से कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा दादा कौन है, तो तुम कह देना कि मैं हूं। आज से इन्हें संजय की मां कहकर मत बुलाओ, मां कहकर बुलाओ। इन्हें दादी कहकर बुलाओ, कहो कि ये मेरी दादी हैं। हाँ बेटा, आज से ये सिर्फ संजय के ही नहीं, तुम्हारे भी छोटे दादा हैं। इस घर के सारे सदस्य तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ये घर तुम्हारा है बेटा। अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारी मां की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ये शहर नहीं है, गांव है। हमारे परिवार के बारे में जानकर भी बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने। हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। कहां से आए हो, किस लिए आए हो, थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने? ए, इसे भेजने का इंतजाम करो, उसे तैयार होने को कहो। अभी आधे घंटे के अंदर निकलना होगा। उसके बाद अगर एक मिनट भी रुके तो अच्छा वक्त निकल जाएगा। उसी समय में कौशल्या के पिता से बात करके शगुन की थाली देनी है। दादा जी, मैं डर गई थी ना। प्यार मुझे पसंद नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अगर मेरी पोती प्यार करे तो यह मुझे पसंद है। क्यों सुरेश, डर गए थे क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भैया आप? हेलो सुरेश, यहाँ कैसे आना हुआ? फ्रेंड का गांव है, तिरुपति घूमने आया था। हाँ? आप यहाँ कैसे? यहाँ पे एक काम से आया था। हाँ? ये गाड़ी बिकने वाली थी, इसका भाव करके ले ली। गाड़ी कैसी है जरा देखो। कितनी कीमत लगाई? 1,25,000 रुपए। मॉडल? 98 मॉडल है। डीजल इंजन है? नहीं, पेट्रोल है। छोटा मोटा काम बहुत है इसमें, दो टायर भी खराब हैं, इंजन ओके है। 70-75 भी कीमत नहीं होगी इसकी, और आप 1,25,000 रुपए लगा के आ गए? अरे ये क्या बोल रहे हो सुरेश, इसके एडवांस दे चुका हूं। जाके एडवांस वापस ले आइए। ए रामू, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, इसे उठा के वहां रख। क्यों, इनको चाबी नहीं दी क्या? मालिक मैं तो इन्हें दे चुका हूं। तो फिर क्यों आया है? किसी ने कहा भाव बहुत ज्यादा है। किसने कहा? ये मेरे गांव के भाई है।
अगर आपको देनी हो तो भाव कम करो। लाओ पैसे दो। ये लीजिए मालिक। लो, तुम उसे फोकट में ही रख लो। मुझे क्या फोकट में दे रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूं। ए, मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं, अगर तुमने फोकट में नहीं ली तो देखना इस गाड़ी का क्या हाल कर दूंगा। क्या भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं? वो बहुत गुस्से में थे, आप परेशान मत होइए, वो कुछ नहीं तोड़ने वाले। कौशल्या, तुम्हारे पिताजी आए हैं। पिताजी आए हैं? सुरेश, पिताजी आए, आओ ना जल्दी जल्दी आओ। कौशल्या है। पिताजी नहीं आए? कैसी हो गायत्री? आओ आओ, कैसी हो? ठीक हूँ चाचा जी। आ जाओ पिताजी। आओ बेटा। माँ क्यों री, दादा के घर आके माँ को भूल गई? कैसी आओ हो बेटी, दामाद जी नहीं आए। घर पर एक फोन भी नहीं कर सकती थी क्या? क्यों बेटी, दामाद जी नहीं आए क्या? नहीं पिताजी। पिताजी नहीं आए? मुझे कहा रेडी हो जाओ, दोनों साथ में चलेंगे। बाहर गए थे किसी काम से, पता नहीं वहाँ पर क्या हो गया, मूड खराब है कह के लेट गए। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहने लगे तुम ही जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। कैसी हो बेटी? तुमने कुछ पूछा नहीं माँ? बेटी तुम्हारे पिता के मूड का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कब खराब हो जाए। और अगर मैं जाके पूछूं कि क्या हुआ तो मुझे शायद नहीं बताएंगे, तुझे जरूरत हो तो तू ही फोन करके पूछ ले। पिताजी मैं कौशी बोल रही हूँ। अब कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। आप क्यों नहीं आए? माँ पहुंची कि नहीं? अभी आई है। आप क्यों नहीं आए? अब वो क्या है, क्या है बेटी की? क्या हुआ पिताजी, आपकी आवाज में इतनी उदासी क्यों है पिताजी? हेलो, वो लड़का मुझसे खेल रहा है, बार बार वो मुझसे टकराता है, जान बूझ करके मुझे परेशान कर रहा है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो पिताजी? उसे तो तुम्हारे पिताजी ने कभी पैसों की परवाह की है क्या? नहीं पिताजी। वो लड़का ऐसा कह रहा था, चार लोगों के बीच में मेरी इज्जत उतार दी। कौन है वो? अरे वो बेटी, वो लड़का जो बस में था। अरे उसे बस में ही चलाकर खत्म कर देना चाहिए था, छोड़ दिया। कौन है वो पिताजी, वो क्यों ऐसा करता है बार बार, वो आपसे क्यों झगड़ा करता है? क्या दिमाग खराब है उसका, ये पागल है। मैं तुरंत वहाँ आऊँ क्या पिताजी? कौशिक, अरे कौशिक रहने दो बेटा, रहने दो। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? मैंने सोचा था कि मैं तुमसे ये सब कुछ ना बताऊं,
तुम चिंता मत करो। चिंता की तो बात है ना। अरे सुनो, ये सीताराम कभी भी पैसों की परवाह नहीं करता। अच्छो अच्छो को आग लगा दी उसने, उसी के मुंह पे कालिक मल के गया है वो। देखो बेटी, तुम खुशी से दादाजी के घर पर तिरुपति में रहो। खामखा इस छोटी सी बात पर क्यों बहस कर रही हो? तुम परेशान मत हो, मैं वहां पर 2 दिन में आ रहा हूँ। ध्यान से देखो दादी, इसका नाम है स्कीपिंग। चलो एक बार कूदो। क्या रे, स्कीपिंग विपिंग छोड़। बाप से झगड़ा करके रोड पे खड़ा कर दिया। क्या दादी, तुम्हारी बॉडी को शेप देके माधवन के साथ तुम्हारा स्टेज शो करवाना चाहता हूँ, नहीं करोगी क्या? अरे मुझे शर्म आ रही है। दादी वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? चलो वहीं चल के देखे। हाँ कहीं भी भीड़ लगी हो तो उसमें घुस कर देखना चाहिए, यही हमारा कल्चर है। चलो चलो, चलो। तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुम जाओ बेटी। क्या डैडी, कावेरी के पानी की समस्या को हल करने के लिए यहाँ बैठे हो क्या? मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, जा यहाँ से। ये डाउट तो मुझे बहुत दिनों से था, कलर कॉम्बिनेशन से पता चलता है। क्या दादी, अपनी फैमिली में प्रॉब्लम है क्या? अरे चुप रहो, ये क्या हो रहा है, पूछो। हाँ क्या ये? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। कल रात को मेरे सपने में अचानक स्वामी जी आ गए। हाँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हाँ। है, स्वामी जी अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हो गए। हाँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 4 एकड़ जमीन घेर कर एक बड़ा सा मंदिर बनवाओ, पब्लिक से पैसा लेकर शराब चढ़ाओ और बकरा चढ़ाओ, चढ़ावे और वसूली का जिम्मा मुझे दिया है। ये क्या बोल रहा है बे, वहाँ पर अचानक ये स्वामी कैसे टपक पड़े? उस 4 एकड़ जमीन में एक मंदिर है, बच्चों के पढ़ने का स्कूल है, उसका क्या होगा बे? पूछा था, स्कूल को हटाने के लिए बोला है, बस नहीं आएगी ऐसा कहा है, और अगर ये नहीं करेंगे तो देव का अपमान होगा। हाँ, देव का अपमान होगा, स्कूल को तो हटाना ही होगा। अरे पापी, स्कूल हटाने के लिए बोल रहा है, तुझे तो मैं छोडूंगी नहीं। टेंशन मत लो, मान जाओ। एक मिनट, इसके लिए सरपंच जी क्या फैसला देंगे? मैं ये फैसला नहीं कर सकता। क्यों डैडी? परंपरागत फैसला करने वाला हमारा पुश्तैनी लोटा गायब हो गया। अब बिना उस लोटे के मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। ओहो, खोए हुए लोटे और अचानक प्रकट हुए स्वामी के लिए मैं एक ही फैसला दूंगा, बोलूं? सरपंच। सरपंच क्या है? अरे कुछ भी हो, मैं अभी करता हूँ फैसला। देखो सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। सरपंच के लोटे को चुरा कर उसे स्वामी का नाम दे दिया। हमसे आपने तो मेरे धंधे को ही चौपट कर दिया। छे छे, गवर्नमेंट जो अपंगों को साइकिल देती है ना, वो साइकिल इस साल तुझे मिलने वाली वो है। कैसे? वो ऐसे। छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को ये सुपर हीरो अनदेखा नहीं कर सकता। ए शेर जैसा बन के देखो पोता मेरा आया, बन के काले दुश्मनों का सर्वनाश है लाया, बन के काले दुश्मनों का सर्वनाश है लाया। ये पटक पटक मारे, उठा उठा के मारे, गिरा गिरा के मारे, ये चीर फाड़ डाले। क्या अर्जुन, सब ठीक है? क्या हो गया? मालिक अपना कुत्ता मर जाएगा ऐसा लग रहा है। अरे अर्जुन, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, कुत्ता बीच में आ गया था। तुम ही बीच में आए। तीसरी बार तुमने मेरी जिंदगी में दखल दिया है। मुझे देखकर तुम्हें हंसी आती है? हाँ, मेरा गुस्सा तुम्हें मजाक लगता है? गुस्सा दिलाकर तू चाहता है कि मैं चिल्लाऊं, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बल्कि काट के रख दूंगा। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम गलत आदमी हो, तुम्हारी हर हरकत गलत है। बस मेरी बात सुनो, एक और मौत हो उससे पहले तुम चले जाओ। अगर फिर कभी तुम मुझे दिखाई दिए तो पता नहीं मैं क्या कर डालूंगा। चले जाओ। अरे संभल के, और दादी मुझे खिला बना रही है।
वो देखो सुरेश आ गया, उसे भी केक दो। अचानक केक का क्या मामला? वो एक परीक्षा में पास हुई है, उसलिए लो केक खाओ। हाँ, ओ, ओ, ओ। हाँ, मालिक ये गाड़ी आपके ससुराल में, ये कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो? मालिक इसी गाड़ी ने तो अपने कुत्ते को उड़ाया था। क्या बकवास कर रहे हो? मालिक मुझे अच्छी तरह याद है, यही काला रंग, यही 4440 नंबर, इसी गाड़ी के ड्राइवर ने अपने कुत्ते को उड़ाया है। मालिक लगता है इसका मालिक आपके ससुराल में बैठा है। ये गुस्सा हो गया। खिलाओ बेटा, खिलाओ खिलाओ। नहीं, सिर्फ प्यार करना आता है, खाओगे नहीं? अरे खा लो। नहीं, प्यार क्या, शादी ही करवा देंगे। खिलाओ खिलाओ। इतना शर्मा रहा है। ए, तू यहाँ क्यों आया? पिताजी। चला जा यहाँ से। अरे क्यों आया तू यहाँ? क्या कर रहे हो? क्या हो गया? मैंने तुझसे कहा था ना कि आप मुझे दिखाई मत देना। ये क्या है बेटा, ये क्या कर रहे हो, इसे मार क्यों रहे हो? ये अंदर कैसे आया? ए, चल जा रहे, जा। सुनो भैया, तिरुपति के लिए मैं ही से लेके आई थी। तुम लेकर आई हो? किसे घर में लाना है, इतनी बेअकल नहीं है? क्या कह रहे हो दामाद जी, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? वो अपने घर का मेहमान है। ये मेहमान नहीं है, शैतान है। क्या कह रहे हो दामाद जी? उससे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, बस इतना ही। सुरेश बोलो बेटा, क्या हो गया था? नहीं दादाजी, उस दिन कार वाली बात कौशल्या को भी पता है। कौशल्या, बताओ कौशल्या, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी का नाम ले? रुक जाइए दामाद जी, वो कुछ कहना चाहता है, सुन तो लीजिए। कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। कौशल बेटा, मैंने तुझे बोला था ना कि किसी ने मेरा अपमान किया है, ये वही है बेटी, वही है, ये यही है वो जिसने की मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये तो बहुत अच्छा लड़का। अच्छा है और ये खूनी है, पापी है। कौशल बेटी, अपने कुत्ते को जान बुझ कर कार से उड़ा के मारा था इसने। कसम से कहता हूँ दादाजी, मैंने जानबूझ के नहीं। चुप, चला जा, नाटक मत कर। मैं ऐसा नहीं हूँ। तू गलत आदमी है, चला जा, चला जा यहाँ से। उसे छोड़ दीजिए दामाद जी, इस घर में आपकी मर्जी नहीं चल सकती, उसे छोड़ दीजिए। मैं तो समझता था ये मेरा घर है, आप लोग सब मेरे अपने हैं, और मैं भी इस गलत फहमी में था कि मैं आपका हूं। हम आपके रिश्तेदार हैं, हमने हमारी लड़की दी है आपको। मर गई है समझ लीजिए। सिर्फ इस कुत्ते की वजह से 22 साल के संबंधों पर आज खाक पड़ गई है। जहां मेरी इज्जत ना हो मैं वहां नहीं रह सकता, और ना ही मेरी लड़की रह सकती है। अरे चल बेटी। तिनका तिनका करके आखिर तूने मेरे परिवार को बिखेर ही दिया। मैंने तो तुझे शैतान समझा था, लेकिन तू तो उससे भी साला। पिक्चर की लाइन में देखो, नजदीक कौन सी पिक्चर लगी है? बाजू में अब्दुल कलाम की न्यूज आई है, उसे नहीं पढ़ोगे क्या? वो कौन है? That's true. हाय, एक पैकेट कैंसर दो। सुपर हीरो, अमेरिका में कोई नौकरी लगवाओ ना। कहाँ तक पढ़ा है तू? चौथी क्लास, फेल। शाबाश, बिल गेट्स के घर में गेट खोलने का काम है, जाएगा। मोड़ी को करने दो। तुझे एसके बहुत ज्यादा है बे। एसके मतलब? सुपर खुजली। डैडी सिगरेट। ए, तुझे लात खानी है क्या? क्यों, डल क्यों? मॉर्निंग में जॉगिंग पे नहीं गई? ए, छोड़, विली कर रहा हूँ, जॉली कर रहा हूँ, पॉली कर रहा हूँ बोल के मोटरसाइकिल के पीछे बिठा दिया और लेके जाके गिरा दिया, मेरी कमर तोड़ दी, आज पेट दुख रहा है और खाना भी नहीं दे रहा है। खाना, खाना खाओगी तो नींद आ जाएगी, फुल्ली कार्बोहाइड्रेट। मैंने तुम्हारे लिए डाइट फूड तैयार किया है, जरा प्लेट आगे लाओ, देखो। क्या रे, पत्थर खिलाएगा? पत्थर? मजदूरों की तरह बात मत करो, दिस इज कॉल्ड कैलॉग। अच्छा बोलो, कैलॉग्स? अरे ये तो सिक्की हुई मक्का ही है। करेक्ट, वही तो।
उसे ही आजकल मॉडर्न पैकेट में डालकर बेच रहे हैं, फुल प्रोटीन। आजकल शहर में औरतों को काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही खाना मांगते हैं कैलॉक्स दूध में डाल के सामने रख देती है। अब बूढ़े भी खाएंगे। ये सब माइक लगा के बोलो, सब लोगों को सुनाई देना चाहिए। ए दादी लुक, ए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, डबल इंजन लगाया, ब्रेक नहीं है क्या? इस डबल इंजन गाड़ी में इतने सारे बच्चों को बिठाकर तिरुपति से लेके आया क्या? वो बनकर ये सारे बच्चे मैंने पैदा किए हैं। तूने पैदा किया है? ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों का मेला लगा हुआ है। चुप रहना, नजर लग जाएगी। मेरी बीवी फिर से डिलीवरी के लिए गई है, उसे कुछ हो गया तो फिर से माँ बनने वाली है। अरे पापी, गाड़ी में लोड है, घर में भी लोड है। फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग के साधनों को मुफ्त में बांट बांट के परेशान हो गई है बे। अरे जाओ भाई, वही गवर्नमेंट जरूरतमंद साधन को यूज मत करो ऐसा जगह जगह प्रचार कर रही है। गवर्नमेंट जरूरतमंद साधन को यूज मत करो ऐसा कह रही है? हाँ। क्या तू सच कह रहा है? आंखें हैं तो पढ़ के देखना। प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। वो अलग प्लास्टिक है और ये अलग प्लास्टिक है यार। अरे जा यार। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे पहले इन लोगों को शिक्षा दी जाए यार, नहीं तो 100 करोड़ जनसंख्या को 1000 करोड़ बना देंगे। ये लोगों का दिमाग भी प्लास्टिक की तरह है, इन्हें हम लोग नहीं बदल सकते दादी। वो सब बात छोड़, तू किस प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है? तुम्हारे कितने बच्चे हैं दादी? तुम्हारे बाप सरपंच को मिलाकर 12 बच्चे। टू लेट, अब तुमको समझा के और बता के कोई फायदा नहीं है दादी, क्योंकि बंजर जमीन में खाद डालने का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका ने ये प्लास्टिक क्यों भेजा? अभी गाड़ी में बच्चों को लेके जा रहा था, उसकी बीवी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा? उसकी डिलीवरी कराने वाली तुम ही हो ना? सिर्फ इनकी नहीं, इनके सभी बच्चों की डिलीवरी मैंने अपने हाथों से करवाई है। इस हाथ को मैं प्राइस देने वाला हूँ, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ। अरे अरे ऐसा मत करना, ये कुछ भी कर सकता है। अरे चुप रे बुढ़िया, तू गलत बोल रही है। बेटा अमेरिका जाके आया है, इसलिए मुझे वो जरूर कुछ ना कुछ इनाम देगा। दूंगा दूंगा, ऊपर करके दिखाओ। कौशल्या, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए सुरेश, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना बड़ा अपमान सह लिया तुमने, उसके लिए मुझे ही थैंक यू बोलना चाहिए। कौशल्या, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है सुरेश, तुम कोई गलती नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे गलत समझते हैं। थोड़ा सा धीरज रखो, उनको कोई गलतफहमी हो गई है, वो खुद ही समझ जाएंगे। वो भी तुम्हारी तरह है सुरेश, वो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्या हुआ, शुरुआत से ही तुम दोनों के बीच में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए अपना गुस्सा थूक देंगे, मैं जो चीज चाहती हूँ उसके लिए कभी मना नहीं करते, तुम देखना वो हम दोनों को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन एक बात है सुरेश, मुझे मेरे पिताजी भी चाहिए और तुम भी। आई लव यू कौशल्या। क्या हुआ माँ? क्यों रे, उसे मिल के आई ना, उसे क्यों मिलने गई थी? सुनिए
मालिक क्या कर रहा है आप? नहीं मालिक, मालिक चलिए चलिए मालिक, नहीं नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक, ये क्या कर दिया आपने? पिताजी, पिताजी मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगी पिताजी, दया करके मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, जो आप कहेंगे मैं करूंगी पिताजी, पिताजी कसम खा के कहती हूँ मैं उससे अब कभी नहीं मिलूंगी पिताजी, पिताजी मुझे आपकी जरूरत है पिताजी, मेरे लिए आप ही जरूरी हो पिताजी और कोई नहीं पिताजी, पिताजी आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगी, बोलिए पिताजी, आप मुझसे बोलिए पिताजी, आप नहीं बोलेंगे तो, आप नहीं बोलेंगे तो मैं मर जाऊंगी पिताजी, पिताजी आप नहीं बोलेंगे तो मैं मर जाऊंगी पिताजी, मैं मर जाऊंगी। मेरी की हुई गलती के लिए आप अपने आप को क्यों जला रहे? मुझे जलाइए पिताजी। चुप हो जा बेटी, तू तो मेरी जान है। प्यार गलत है ऐसा मैं नहीं कहता, और मैं प्यार को रोकना भी नहीं चाहता, लेकिन वो लड़का गलत है। हाँ, वो लड़का बहुत गलत है, और जब प्यार करने वाला ही गलत होगा तो प्यार गलत हो जाएगा ना बेटी, भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे बेटी। पेपर में क्या छपा है देखें दादी, सरदार के सर को काटो। अरे सरदार के सर को काट दिया तो सिर्फ दार ही बचेगा। सर और दार में थोड़ा फर्क होता है, सरदार। क्यों बेकार की बातें कर रहा है? हे, इधर आओ बे, ये सब क्या है? बैल के गले में माला डाली है, गमछा डाला है, ये क्या इलेक्शन जीत के आया है? अरे सुपर सुबू, ये वाट कट्टू है। वाट कट्टू? नली कट्टे। इसका मतलब? बैल को रोकना। जिन लोगों के गले में ये माला है उनके लिए है ये खेल, जो इस बैल को रोकेगा वही वीर कहलाएगा और इस बैल के खेल में शामिल होगा। ओहो, तो फिर बैल के साथ अकेले अकेले ही भिड़ना होगा, ठीक है ना? हाँ, वो कैसे होगा? बैल को भगाकर उसके ऊपर 10-15 आदमी कूदते हैं। हाँ, वही है वीर जो करता है पलटी। अभी तो ये सीधा साधा लग रहा है, पर खेल के वक्त कैसे ये इतना हिंसक हो जाता है? बैल को शराब पिलाकर इसे पीछे लकड़ी से मारते हैं। बैल का खेल कोई मजाक नहीं है। शराब पिला के लड़ाओगे? मेनका गांधी को पता चलेगा तो पकड़ के ले जाएगी बे। अच्छा भाव मिलेगा तो दे देंगे। कष्ट है बे, इस बैल का मालिक गरीब है, अपने परिवार का जीवन चलाना है उसे, छोड़ दो बे। भैया, इसे बरसों से पाला है तभी ऐसा बैल बनता है, जो इसे रोकता है वही कहलाता है वीर। उस जमाने में चलते हुए बैल को लोग रोकते थे, पर आज के जमाने में तो ट्रैक्टर चलता है, तो तुम लोग फुल स्पीड में ट्रैक्टर को आने दो, उसे जो एक हाथ से रोकेगा वो सच्चा वीर है। ए प्रदीप, मजाक छोड़, इस बैल के खेल में अपनी टांग मत फंसा। देश में रोकने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपनी जुबान बंद कर ली तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ए, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, अपना खेल जरूरी है, चलो। हाँ, खेल जरूरी है, खेल चालू रखो अपना खेल। तुम लोगों को 70mm की फिल्म दिखा के समझाएंगे तो भी नहीं समझने वाले हो। 70mm ये क्या है? वो एक बड़ा पर्दा होता है दादी। कितना बड़ा? कभी तुमने दादा की धोती खोल के देखी है? छी छी, कितनी गंदी बातें कर रहा है। कह रहा हूँ वो इतना बड़ा होता है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। ये क्या, तुम्हारे भैया के पेट में इतना बड़ा छेद कैसे हो गया? खेल में बैल ने इसे मार दिया, इनकी अतड़ियां बाहर निकल गई, अब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं भैया। खेल खेल करके अपने भाई की बोटी बाहर निकाल दिए, जाओ बे। अरे ये अपना टाइम खराब कर रहे हो, उठाओ इसको, जल्दी चलो चलो चलो। ओह क्या भाई, तुम्हारे बैग में कुछ डेंजर लाइट जल रही है। अरे यार, बैल ने पीछे से घुसा दिया। बैल के पीछे दौड़ा था ना तू, इसलिए बैल भी तेरे पीछे दौड़ गया। अरे तुम्हारे दादाजी के पीछे भी घुसा था। पीछे घुसाया था और एक बार आगे भी। आइए चाचा जी, अब आने को कहिए, कहिए ना।
नमस्ते दामाद जी। आइए बैठिए। बैठिए ना। बोलिए क्या बात है? क्या दामाद जी, अजनबियों से जैसे बात करते हैं वैसे। फिर कैसे बात करते हैं? जो बोलना है जल्दी बोलिए, मुझे बाहर जाना है। उस दिन जो हुआ उसे दिल में रखकर घर आना मत भूल जाना। भैया ने शायद गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, दया करके उन्हें माफ कर देना। हर साल हम लोग साथ मिलकर घर में ग्रहों की पूजा करते हैं, इस साल भी वही पूजा करनी है। आपको पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना है। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं, सीताराम हूं। एक दफे जहां मना कर दिया वहां सिर्फ मेरी चप्पल जाती है। मैं जा रहा हूं। तुम क्यों रो रही हो? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? अब क्या बात कर रही हो बेटी? ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम पे भरोसा ना करूं? अरे तुम तो मेरी लाडली हो, सीता राम की लाडली। बेटी मैं तुम पे भरोसा कैसे नहीं करूंगा? तो फिर आप दादाजी के घर पे पूजा करने क्यों नहीं जाएंगे, बोलिए। उस बात का इससे क्या संबंध है बेटी? वहां सुरेश है, इसलिए आपने मना किया ना। मैं आपकी बेटी हूं पिताजी, आपकी बेटी बनकर जाऊंगी और वैसे ही वापस आऊंगी। हम लोग अगर वहां नहीं गए तो वो मुझे ही दोषी ठहराएंगे और ये दोष मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पिताजी। अगर आपकी मर्जी होगी तो ही हम दादाजी के घर पूजा पाठ करने चलेंगे, वहां कोई भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। सही बोल रही हो तुम, वहां कोई भी कुत्ता रहे उससे हमें क्या, वो हमारा घर है बेटी, हमारे घर की पूजा है। पूजा में हम जरूर जाएंगे, जरूर। ए ससुर जी के यहां फोन लगाओ। दामाद जी आ गए। आइए दामाद जी। ठीक है। उस दिन जो कुछ हुआ उसके, मैं यहाँ किसी का दिल रखने के लिए नहीं आया, अपनी बेटी का दिल रखने के लिए आया हूँ। आओ बेटी। हाय कौशल्या दीदी, कैसी हो तुम? पता है कल सुरेश अंकल ने कैसेट दिखाई, सुपर थी, एकदम सुपर। और पता नहीं उन्होंने वो कैसे बनाई। अब तुम आ गई हो ना, तुम मुझे जरूर बताना कि वो कैसे बनाई थी। हाँ दीदी चलो ना, चलो। प्रेमा तुम जाके खेलो बेटा, दीदी अभी आई। आइए दामाद जी, आइए। हाँ चलिए आइए। आओ बेटी। कौशल्या दीदी, सुरेश अंकल ने आपके लिए लेटर दिया है। ए देखो दीदी, ए एक गायत्री। मुझे लेटर नहीं चाहिए। खोल के पढ़ो कौशल्या। देखो सुरेश, इतना सब होने के बाद भी मैं यहाँ वापस आऊंगी, तुमसे मिलूंगी, तुम्हारे पास खड़े होकर बात करूंगी, हम लोग एक साथ मिलकर तिरुपति में रहेंगे। ये सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान की दुआ से हमें इतने से ही संतुष्टि करनी चाहिए।
सुरेश, हम लोगों को इतने में ही खुश रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अपनों को नहीं भूलना चाहिए। प्लीज ऐसे लेटर देना, बात करना, देखना, ये सब मत करो सुरेश। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये दिल में है, इसके लिए लेटर लिखने या पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने क्या लिखा है पढ़ तो लो कौशल्या। मैं इतना दूर ये कहने आई हूँ और तुम बार बार लेटर पढ़ने के लिए कह रहे हो। तुम्हारा प्यार क्या सिर्फ इस पेपर में छुपा हुआ है? ठीक है तो मैं पढ़ लेती हूँ। ओके। कौशल्या, तुम लोग तिरुपति आओगे या नहीं इस बात से मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब परेशानी दूर हो गई है। आगे भी कभी परेशानी ना हो इसलिए हम एक दूसरे को देखना और बात करना बंद कर देंगे। हम लोग अलग तो रहेंगे लेकिन हंसते हुए भविष्य में हम अपना प्यार दिल में सहेज कर रखेंगे। ऐसे झाड़ पे शूट करूं? ऐसे शूट करोगी तो तुम्हें मुझे शमशान ले जाकर जलाना होगा। इस तरह से घुमाकर शूट करना। अब सामने देखो क्या दिख रहा है? एक झाड़ की टहनी। टहनी दिख रही है? हे भगवान, मुझे माफ कर दो, इस गरीब किसान के लिए इसके सिवा कोई रास्ता ठीक नहीं है। अब दूर रख के शूट करो। अरे ये क्या, पेड़ चिल्लाया दादी? उसके नीचे एक लड़का खड़ा था, भूल गई। अरे इसलिए कह रहा था, देख के शूट करो, चलो आओ देखते हैं। हे भगवान, मुझे बचाए क्यों लिया? अच्छा हुआ उसकी रस्सी पे गोली लगी, तुमने उसे बचा लिया। मुझे बचा क्यों लिया भाई? अरे तुम क्या करने जा रहे थे, क्यों मर रहे थे? खाना नहीं है इसलिए। खाना नहीं है? पूरे देश को खिलाने वाला किसान है तू, तेरे पास खाना नहीं है, ये क्या कह रहा है? ये सारी धरती सूख गई है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सारे कुएं तालाब सूख गए हैं, 2 सालों से बारिश नहीं हुई है और हर चीज का बजट बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो गया, कार की कीमत तो कम कर दी है ना? कार से कीटनाशक नहीं आता मेरे दोस्त। सोचने पे मजबूर कर दिया। ओके, मैं एक बात बोलता हूँ, क्यों तू कीटनाशक के पीछे भाग रहा है? पतल, खाना, गोबर, ये सब उठा के साइड में रख दे। गाय कुछ खाएगी तब तो गोबर देगी ना। हाँ। और जब हम कुछ खाएंगे तब तो पत्तल या कूड़ा करकट मिलेगा ना। अरे बाप रे, इसने तो मुझे ही चक्कर में डाल दिया। ओके, मैं तेरे रूट पे आता हूँ। तू शराब पीता है? पूरी एक बोतल शराब पीता है। उसकी कीमत कितनी होती है? 40 रुपए। ये सब तुमको कैसे पता? जा रे प्रदीप, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, क्या तुम्हें बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है? वो सब फूकते रहता है। उसका कितना होता है? एक पैकेट 25 रुपए का होता है। दादी, प्रदीप ऐसे घूर के मत देख, मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। सुनो सभी किसानों, इधर आओ, इधर आओ। आपने इस आर निगम की कहानी सुनो, इतने कष्ट में होते हुए थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता है वो बिना घर में दिए अकेले अपने ऊपर 65-70 रुपए रोज खर्च करता है। ये अपने आप को सुधारने के बजाय अपने कुटुंब परिवार को अनाथ छोड़ के गले में फांसी का फंदा डाल के मरना चाहता था। बताइए ये कहां का न्याय है? इतने सारे लोग तुम्हारे अपने हैं, तुमने कभी अपनी परेशानी इन लोगों से बताई क्या? कितनी बार बोलूं, हजारों बार बोल चुका हूं। हाँ, वही तो। अरे बेचारे लोग, तुम लोगों को खेती करने का सही तरीका अब तक पता ही नहीं है। इंडिया में मेजोरिटी तुम जैसे किसान लोगों की तो है, सदियों से इस धरती को किसानों की धरती कहा गया है। अगर तुम लोगों ने मिलकर एक साथ आवाज उठाई होती तो उसी समय अनेकों नदियां एक हो गई होती। लेकिन तुम लोग कभी एकजुट नहीं हो पाओगे ना, जातिवाद के चक्कर में, धर्म के चक्कर में, प्रोफेशन के चक्कर में, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में तुम सब लोग बिखर चुके हो। मैं अब भी कहता हूँ, एक एक गांव में अगर 100 किसान भी इकट्ठे हो जाएं, तो खेती करने के लिए पैसा इकट्ठा होगा, बीवी की इच्छा पूरी कर पाओगे, अपने परिवार के बच्चों को एक सही रास्ता दिखा पाओगे, उनका भविष्य बना पाओगे। ये सब छोड़कर इस साल बारिश नहीं आई ये कह के तुम लोगों ने अपने हाथों से अपनी ऐसी हालत बना ली है। इधर लाओ भाई। अब निकाल इस फंदे को और फेंक इसको। Hey, क्या है? थोड़ी देर तक तेरी बहस सुनूंगा सोचा था, लेकिन तेरी बेवकूफी बर्दाश्त नहीं हुई। मिस्टर सरपंच, पहली बार तूने सही बोला। ठीक है तो जहाँ थे वहीं सेटल हो जाओ। हाँ हाँ, जैसे तूने बाप को कमा कर दिया हो, यहीं सेटल हो जाऊंगा, बेवकूफ कहीं का। बेटा, तुमने ये सब कहकर हम लोगों की आंखें खोल दी, अब हम सब मिलकर एकता दिखाएंगे। लेकिन ये सब देखने के लिए आप नहीं होंगे। क्या बे, क्या बकरा बे? चाहे फांसी से मरूं या जहर पीकर, मैंने दोनों चीजें तैयार कर रखी थी। जहर कड़वा होता है इसलिए उसमें कलर मिलाया था, वो तुमने पी लिया बेटा। अरे पापी, ये बात इतनी देर से क्यों बोल रहा है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल किधर है, ये तो पता ही नहीं अपने को। इधर जाए या उधर जाए? अरे मुझे ऊपर मत ले जाना। अरे सबसे पहले उस नेताजी का पोस्टर फाड़ो बे। नेताजी का पोस्टर फाड़े? अबे बकवास मत करो बेवकूफ, कहीं के पोस्टर फाड़ो। अरे सेल्वी हॉस्पिटल।
अरे शेल्विन हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल इस तरफ है। अरे अरे इसी तरफ है, लेके चलो। हॉस्पिटल के बोर्ड पे पोस्टर लगाते हैं, इनके चलते तो इंसान मर ही जाएगा रे। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये कौन लाए इसे? सुरेश अंकल। मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा, अब हाथ से छूट के ये नीचे गिर गया। मैं सच कहता हूँ। नहीं, पहले से ही वो आपको पसंद नहीं है और उसी नाराजगी में जानबूझकर उस फ्लावर नहीं तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा। ये सही है कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके लिए उसके लाए हुए मटके को तोड़ने का नीच काम मैं नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ इतना कह देने से कि आपने तोड़ा है आप बौखला गए हो, लेकिन सुरेश को दिन रात तू गलत है कहते रहते हो, उससे क्या वो दुखी नहीं होगा? उसने कैसे सहन किया होगा? आपने कभी सोचने की कोशिश की? अभी तक जो तुम लोगों के साथ हुआ वो गलत फहमी थी दामाद जी। हाँ दामाद जी, अब आगे पीछे जो हुआ उसे भूल जाइए, झगड़ा मत बढ़ाइए, भूल जाइए सब कुछ। अब तो उसे छोड़ दो दामाद जी, वो अच्छा लड़का है, थोड़ा विचार करके तो देखो। सोच लिया, वो गलत ही है। अगर आप लोगों को लगता है कि यह मटका मैंने जानबूझकर तोड़ा है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी नजर में वो गलत था, गलत है। अरे चुपचाप डाल रहे, डाल। अरे पूछ रहे तो बताना, डालना डालना, तो उतरे क्या फर्क पड़ता है? अरे फूल चुनने जा रहा हूँ रे, फूल चुनने। हाँ लगता है आज बहुत बिजी हो, आज कौन फंसने वाला है बताना यार, बताना। आइटम आइटम। ये लोग कौन है यार? ये हमारे गांव के वॉलंटियर्स हैं। जब घोड़ों की रेस देखने के लिए जनता उत्साह में आगे आ जाती है तब ये लोग उन्हें डराकर पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं और जनता भी पीछे हट जाती है। ये लोग मेला भी देख लेते हैं और काम भी हो जाता है। कैसा आइडिया है? पीछे कुआ है, जाके धो गया जाओ। ठीक है ना? हाँ।
यहाँ क्या गुंडागर्दी हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मुझे बताता क्यों नहीं क्या हो रहा था यहाँ पे? जब आपको इस बारे में कुछ पता, वो कैसे बोलेगा? मैं बताता हूं, आपके बारे में ही अनाप शनाप बोल रहा था। भले ही आपका हमारा झगड़ा है तो क्या हुआ, ये गलत बात कैसे बोल सकता है? जब मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने बोला मैं बोलूंगा, मैंने बोला तू बोलेगा तो मैं मारूंगा, फिर इसने मुझ पर हाथ उठाया, मैं भी चुप कैसे रहता, मैंने भी इसे मारा। क्यों बेटा, वो जो बोल रहा है सच है? मुंह खोल कर बताओ बेटा क्या हुआ था? मालिक ये चुपचाप खड़ा है, इसने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। वो इस गांव के बहुत बड़े आदमी है, उसके बारे में ये गलत कैसे बोल सकते हैं? बात करने का कोई फायदा नहीं, मार कर खत्म करो इसको। अरे रुको बेटा, अरे छोड़ो, मेरी बात सुनो। ए, ए, हटो, रुको। बात करते करते तुम लोगों ने हाथ हपाई शुरू कर दी, फिर यहाँ मेरे रहने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है मालिक, हमारे मालिक यहाँ के प्रधान है, उसने इनके बारे में गलत कहा, ये बात सही है क्या? उसने गलत किया होगा, उसके किए की मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो भाई। मालिक जाने दीजिए, अब बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, अनजाने में हो गया होगा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, चलो चलो सब लोग जाओ जाओ। अरे किसी को तो सुकून से रहने दो, प्रॉब्लम लेके चले आते हो, जाओ निकलो। बोल रे, क्या हुआ था बोल, क्यों ऐसे रो रही है, सच बता। मंदिर के पीछे कुएं पर गई थी और अचानक से चिल्लाई, क्या हुआ पूछने पर कुछ भी नहीं बताया, सच बताओ, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। सुरेश कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलेगा, वो तुम्हारे पिता के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोल सकता, सुरेश का झूठा नाम लेंगे कुछ नहीं हो सकता, बता मुझे, सच बता, बोलते क्यों नहीं? मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तेरे बारे में मैं सब जानती हूँ, मुझसे कुछ मत छुपा, बता बोलते क्यों नहीं, बोलेंगे क्यों नहीं, बोल ना रे बोल। देखो माँ, वो मनीष का लड़का, उसने पिताजी से पुराने झगड़े की वजह से ऐसा किया है बाबा। ये सबको पता चला तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए सुरेश ने छिपा दिया। मंदिर के लोगों ने हकीकत जाने बगैर सुरेश को मारा माँ। मालिक उसे मार मत दीजिएगा, इसके मरने के साथ साथ अपनी लड़की की भी इज्जत चली जाएगी मालिक, आज तो ये बात किसी को पता नहीं है मालिक, कल जग जाहिर हो जाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ मालिक, अपनी बेटी के खातिर इसे छोड़ दीजिए मालिक, इसे छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए। चल माफी मांग, पैर पकड़ के माफी मांग। नहीं रहने दीजिए, जो हो गया नहीं रहने दो। सुनो, इस कुत्ते ने जो गलती की उसकी सजा मैंने इसे दे दी। अरे गलती कोई भी करे, गलती तो गलती है, और मैंने भी गलती की है, इसलिए मुझे माफ कर दो। अरे गलती की है, मुझे माफ कर दो, मन से माफी मांग रहा हूं। मैंने माफी मांग ली इसलिए यह मत समझना कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। तो गलत है, मैंने कागज पर नहीं दिल में लिख लिया है, और जो लिखा है वो अमिट है, और वो मरते दम तक नहीं मिटेगा, इस बात को तुम याद रखना। आप कैसे हो? पहले जैसा ही। ये कितनी उंगलियां हैं? एक। ये क्या, ये तो दो उंगलियां हैं, तुम एक क्यों बोल रहे हो? मुझे सब कुछ आधा आधा दिख रहा है सिस्टर। क्या कह रहे हैं आप, आपकी राइट आंख का ऑपरेशन किया है? क्या ऑपरेशन कर दिया? मैं जहर पी के पेट दर्द के लिए एडमिट हुआ था, और आप लोगों ने मेरी आंख का ऑपरेशन कर दिया।
नर्स, मेरी आंख में परेशानी थी, तुम लोगों ने पेट का ऑपरेशन कर दिया। सॉरी सर, एक छोटी सी गलती हो गई। हा? पेट की जगह आंख का ऑपरेशन कर दिया। अरे पापी, ये छोटी सी गलती लगती है? सपोज अगर ये जिंदगी बचाने के लिए एडमिट हुआ होता तो मेरा क्या हाल होता? कौन है वो डॉक्टर? प्रदीप, प्रदीप। hey, डॉक्टर कहाँ है? वहाँ है। वहाँ है? सीधे से खाओ नहीं तो इस कानिया से पकड़वा दूंगी। बेइज्जती कर दी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मुंह पे क्यों मार रहा है? थर्मामीटर अंदर चला गया। तो टॉयलेट जाएगा तो निकल आएगा। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी आंख में आप ऑलरेडी डू 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 कर चुके हो डॉक्टर। क्यों डॉक्टर, पेट दर्द के लिए एडमिट हुआ तो मेरी आंख का ऑपरेशन क्यों कर दिया? इज इट डॉक्टर? डॉक्टर, आप प्लस टू में पास हो गए, पेपर में आपका नाम छपा है। क्यों डॉक्टर, क्या आपने अभी प्लस टू पास किया है? सॉरी, इस बात को बाहर मत कह देना, मैंने एक झूठ बोलकर एडजस्ट किया। आप एक आंख रखकर एडजस्ट कीजिए। बोलो डॉक्टर, क्या तुम एक ही पैर से एडजस्ट कर सकते हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एडजस्ट कर लोगे क्या? अब घबराने की कोई बात नहीं है, एक पोलियो डॉक्टर को सलाह दे के आ रहा हूँ। क्या दादी, ये काला आदमी बैठा है वो डैडी है ना? मेरे बेटे, तुम्हारी एक आंख जाने से तुमने 100 आंखें खोल दी और मैं भी बदल गया। मैंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। हाँ बेटा, मेरी एक इच्छा है, मैं तुम्हारे साथ एक कलर फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं, उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आओगे। चुप बैठ रहे, मजाक मत कर, मेरी एक बात सुन। मैं तेरे साथ गांव-गांव घूमकर प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा लड़का बदल गया, आहा, सुपर सुपु, सुपर अपो, धूम मचाओ। हे तूफान जैसा, हे तूफान जैसा, तूफान जैसा, हे तूफान जैसा, काल बन के पोता है आया। हे तूफान जैसा, हे तूफान जैसा, काल बन के पोता है आया। दुश्मन डरेंगे, मौत का बैगम हिलाया। आज रात 1 बजे बुंदी बाई की नौटंकी होने वाली है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर के गांव से आ रहे हैं। बुंदी बाई के सेक्सी डांस का बैठ के ऑर्डर लेने के लिए चिल्ला रहा है। तुझे एक भी ऑर्डर मिलने वाला नहीं है। चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। वो मेरी फूटी आंख नहीं भाएगा। तो चलो फिर पत्ता खेलते हैं। अरे वो बुद्धि खराब करती है। XXX रम लेकर आया हूँ, चल के एक एक पैग मारते हैं। अबे वो शरीर का नशा है। फिर कोई दूसरा नशा बता। इस शिवपुरी में मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ ना, उसने अगर देख लिया तो आँख को नशा, अगर सूंघ लिया तो नाक को नशा, और अगर हंस दी तो कान को नशा, और छुए तो 1000 वोल्ट का करंट। ऐसा कौन है वो सेक्सी बम? अरे अपने मुन्नी भाई रे। जब लड़के वाले पहली बार लड़की को देखने आते हैं तो एक माँ को बहुत खुशी होती है, पर यहाँ तो सब उल्टा ही है। लाओ माँ फूल दो। हाँ, ऐसे अचानक से किसी को भी लाकर हॉल में बिठा दिया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? लो इसमें कॉफी डाल दो। जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ। भैया अपनी जिद के आगे नहीं झुके। बेचारी कौशल्या न जी सकती है न मर सकती है, तड़प रही है। इसे देखकर तो मुझे तरस आता है। ये लो बेटी पकड़ो। किसी को भी पसंद नहीं है, पर उनको जाके कौन समझाएगा, कौन रोकेगा ये सब? मेरी ही तकदीर फूटी है, घूम रहे, क्या कर सकते हैं हम? जाओ वहां जाके खड़ी हो जाओ। सब ठीक है। आओ बेटी रखो, आशीर्वाद लो इनसे। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो बेटी। माँ तुम जाके बोलो ना। मैं जाके कैसे बोलूँ? जाइए जाऊँ? आपकी लड़की को देखकर लगता है आपने अच्छी परवरिश की है। एक ही बेटी है मेरी, बहुत प्यार से पाला, आप लीजिए ना। लड़के को भी लाए होते तो बहुत अच्छा होता, सब कुछ आज ही तय हो जाता ना। देखिए कौशल्या, अब हमारे घर की बहू है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात हम घर में जाकर बड़े लोगों के साथ बैठकर कर लेंगे। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर अगले शुक्रवार को आपके पास आए, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। अरे रे, कोई खास बात है क्या अचानक? बहुत ही खास बात है, आपकी पोती कौशल्या का रिश्ता अपने बेटे से करके आ रहे हैं। आप खुश है ना? हाँ। और ये कौन है? अब इसे प्रमिला तिरुपति घुमाने के लिए लाई है। हमारी शादी भी तिरुपति की तरह जगमगाएगी, जरूर आना, चलते हैं। हाँ, आइए। हाँ ठीक है, गाड़ी में लड़कियां हैं, गाड़ी को सही सलामत पहुंचा देना। जाओ जाओ, अब मैं चलता हूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत बातें करते हो। अरे जाओ। वाली को सुरेश कौशल्या के ससुर से बात कर रहा है, वो उनसे अनाप शनाप बात कर रहा होगा, मुझे डर लग रहा है उसने सब कुछ बता दिया होगा। तो अगर लड़के के घर वाले अपनी बात से मुकर गए तब मैं उन्हें बताऊंगा, तब उन्हें बताऊंगा कि सीताराम क्या है।
बैठिए बैठिए, नमस्ते, बैठिए। तो फिर तारीख तय कर ली ना? नहीं, हम लोग कुछ और सोचते हैं, भगवान कुछ और कर देते। मैं कुछ समझा नहीं। लगता है हमारी किस्मत में आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना नहीं लिखा हुआ है। कारण? हर बाप को प्यार के आगे झुकना पड़ता है। मैं जानता था कि आप यही बोलने वाले हैं। बुलाओ उस लड़के को। यही है ना? यही है ना जिसने मेरी लड़की के बारे में अनाप शनाप बोलकर आपके मन को बदला है? क्या बात कर रहे हैं आप, फालतू में अनाप शनाप बोलने जा रहे हैं? तो फिर क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे से बात नहीं की? हमने बात की, ये बात सच है, लेकिन जो सोच रहे वो नहीं। उसने आप लोगों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो गलत हो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस दिन जब हम आपके यहाँ से लड़की देखकर गए, तब अचानक मेरा लड़का मेरे पास आकर बोला कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे और परिवार की पसंद से क्या होता है? शादी उसको करनी है, पसंद उसको आनी चाहिए ना। अब किसी को बुरा लगे, कोई कुछ और सोचे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो जिससे शादी करना चाहता है, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम उसकी शादी उसी से करेंगे। मुझे अपनी खुशी से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी प्यारी है। मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि इस लड़के का इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है मुझे माफ कर देंगे, मैं चलता हूँ। सुन लिया वो क्या बोलकर गया, सुन लिया ना? एक बात भी गलत नहीं कही उसने। प्यार करने वाले इस जमाने में कुछ भी गलत सलत बात करके अपनी शादी को नहीं रुकवाते हैं। मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, कौशल्या की शादी तुम जहाँ करना चाहते हो वहाँ वो खुश नहीं रहेगी। भलाई इसी में है कि जिससे वो प्यार करती है उसके साथ ही उसकी शादी कर दी जाए, यही मेरी इच्छा है। इस युग में जहाँ अपनी गलती दूसरों पर थोपी जाती है, इसी युग में तुम्हारी बेटी कौशल्या का अपमान न हो जाए इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया। पूरे गांव वालों की तोहमत उसने सही और मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम्हें उसका यही बड़ापन गलत लगा है? दादाजी तुम तो कह रहे थे कि अपनी लड़की से बहुत प्यार करते हो, अब क्या हुआ? कितने चाव से रिश्ता तय किया और वो रिश्ता ठुकरा के चले गए। अब कहाँ से दूसरा दूल्हा ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे? आप गलत कर रहे हैं भैया, सुरेश से बदला लेने की चाहत में कौशल्या से बदला ले रहे हैं। कुछ हो गया तो फिर बच्ची चली जाएगी, माँ भी चली जाएगी, और ये सब देखने के लिए हम में से कोई नहीं जी पाएगा भैया। तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अकेले एकांत में तुम शांति से बैठकर सोचना क्या सही है क्या गलत, क्या खराब है क्या अच्छा। तुम्हारी अंतरात्मा से पूछकर फिर फैसला करना बेटा। ससुराल में उस लड़के का क्या नाम है? सुरेश है। उसे कहो मुझसे आके। ठीक है मालिक। आइए सुरेश भैया। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मुझे बात घुमाकर करने की आदत नहीं है। दिल में जो रहता है तुरंत बोल देता हूं। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि उस संबंध को तू नहीं तोड़ा होगा। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और जो बात मेरे दिल पे लग जाती है वो कभी नहीं मिटती, मेरी आखिरी सांस तक वो नहीं मिटेगी।
आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। तुम एक घर में तिरुपति घूमने के लिए आए और आकर एक लड़की को अपनी बातों में फंसा है, और वो लड़की भी तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन उसके बाप को ये पसंद नहीं आया। उसने उसे बुलाकर कहा कि ये लड़का सही नहीं है, तो वो लड़की मान गई। मेरे मना करने के बाद उसने कभी तुमसे बात की? नहीं। नहीं की ना? नहीं की ना? तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? इज्जत से बोरिया बिस्तर बांध कर घर से निकल जाना चाहिए था, अपने गाँव चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो वहीं पर उसी घर में अपना डेरा जमा लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनो, उसके साथ मैं तेरी शादी करवाने वाला नहीं हूं, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, और अगले 100 जन्मों में भी नहीं करूंगा मैं अपनी लड़की से तेरी शादी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मैंने कौन सी गलती की है? दोष क्या है मेरा? सांप और नेवले की लड़ाई में कौन दोषी है? कोई भी नहीं। तो फिर क्या कारण है दुश्मनी का? कुछ भी नहीं ना। फिर भी नेवला सांप को मार देता है और उसी को भोजन बनाकर खा लेता है। तो यहां पर मैं नेवला हूं और तू सांप है। दुश्मनी हमारी कायम रहेगी। मैं मेरे बिल में रहूं और तू अपने बिल में रह। आप ही एक ऐसे अकेले इंसान है जिनको मैं पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं आने वाला तू पहला ही आदमी है। ठीक है, तू अच्छा है, ये मैंने समझ लिया। गांव में भी तू सबको पसंद है। मैं अपनी लड़की की खुशी के लिए तुझसे ये बात कह रहा हूं। मान ले कि अपनी बेटी की खुशी के लिए उससे तेरी शादी भी कर दूं। शादी के बाद मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। वो मेरे जीने की डोर है। शादी के बाद हमें एक दूसरे से मिलना होगा, बात करनी होगी। तुम्हारे घर पर मैं आऊंगा, मेरे घर पर तुम आओगे, एक साथ बैठ के खाना होगा, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ निभाना होगा, सारे त्योहार मिलकर मनाने होंगे। मुझे कुछ हुआ तो तू भाग के आएगा, तुझे कुछ हुआ तो मैं भाग के आऊंगा, तू मरा तो मैं रोऊंगा, मैं मरा तो तू रोएगा, लेकिन ये सब होने वाला नहीं। रिश्ता क्या होता है, उसकी खुशबू क्या होती है, यहां आने से पहले नहीं जानता था। अब जाके तो इसका महत्व समझने लगा हूं। सच होगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं क्या करूं कि आप मुझे पसंद करें? एक बार कह के तो देखिए, मैं जरूर करूंगा, यकीन कीजिए। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो करूंगा। अपनी जान दे दे। जान दे दो, यही कहा ना। जान देने के लिए बोलने वाला वो कौन होता है? कोई किसी को जान देने के लिए कैसे कह सकता है? कौन कब मरेगा ये किसको पता है? जान दे दो कहने वाले की जान कब चली जाए किसे पता है? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, वो हमारे दामाद जी है। दामाद जी? पहले वो इंसान बनना तो सीख ले, उसके बाद वो दामाद बनेगा। जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता वो इंसान नहीं होता। आप सब लोग कभी गुस्से में नहीं आते, लेकिन आज आप लोग अपने दामाद को ही कोस रहे हैं। इसका कारण मैं ही हूं। अगर अब भी मैं यहां पर रुका तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जा रहा हूं। मुझे रोकने की कोशिश मत करना दादाजी, प्लीज। हमने क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुरेश के ऊपर उसके बाप का जो गुस्सा है वो सही है। कौशल्या के लिए उसके बाप के दिल में जो प्यार है वो सही है। सुरेश के पास भी एक दिल है, उसके अरमानों को लोग नहीं समझ पाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी शादी करके बहुत ही खुशी के साथ पति पत्नी बनाकर तुम्हें और कौशल्या को भेजने के लिए सोचा था बेटा, लेकिन भगवान ने वो हक नहीं दिया बेटा। इस बुड्ढे को माफ कर देना बेटा। क्यों अपना दिल दुखा रहे हैं दादाजी? कोई भी तो नहीं था मेरा। दादा दादी बनके इतना सब कुछ दिया है,
कितना प्यार दिया है मुझे। दादाजी मैं अभी तो जा रहा हूं लेकिन वापस आऊंगा। हर बार तिरुपति पर चाहे कोई आए चाहे ना आए लेकिन मैं जरूर आऊंगा दादाजी। सुरेश मैं टिकट लेकर आता हूं, वहां पर ट्रेन आएगी तुम मेरा वेट करना। आप लोग यहाँ कैसे? तुम कुछ मत बोलो बेटा, कौशल्या के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हें अकेले भेजकर हम लोग यहाँ चैन से नहीं रह सकते। दया करके मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, तुम अपने साथ कौशल्या को भी लेकर जाओ। संभाल लूंगा, तुम इसको लेकर भाग जाओ बेटा। ये गलत है, गलत है दादाजी। मैं ये कभी नहीं करूंगा दादाजी, कभी कर ही नहीं सकता। इतने दिनों के बाद मुझे एक इतना अच्छा परिवार मिला, इसलिए मैं अब तक यहां पर था।
पर कौशल्या के पिता के बिना मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है दादाजी। उनकी मर्जी के बिना मुझे कौशल्या स्वीकार नहीं है दादाजी। मैंने पुराने जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी सजा इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। मैं अकेला था और आपके परिवार के प्यार ने मुझे बांध रखा था। अब आपके परिवार की खुशी कौशल्या को मैं आप लोगों से छीनना नहीं चाहता। कौशल्या को छोड़ना आसान नहीं लगता, अपनी सांसों को छोड़कर जा रहा हूं। कौशल्या से कुछ ही दिनों में इतना अपनापन मिला और उससे बिछुड़ने पर इतना दुख हो रहा है मुझे, तो उनके पिता को कितना दुख होगा। मैं उन्हें ये दुख नहीं देना चाहता दादाजी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मत सोचिए मेरे बिना कौशल्या की जिंदगी उजाड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ ही दिनों के बाद वो सब कुछ भूल जाएगी दादाजी। देखिए, जितनी वो मुझसे नफरत करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो कौशल्या से प्यार करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी और नफरत के ऊपर प्यार की जीत होगी। आप लोगों का मेरे प्रति इतना प्यार देखते हुए मेरा यहां से चला जाना ही बेहतर होगा। अब तक लाख कोशिशों के बावजूद अपने आप को सही साबित नहीं कर सका। अब आप लोगों के कहने पर उसके साथ चला गया तो आप लोग भी कौशल्या के पिता की नजरों में गिर जाएंगे। मेरे जाने के बाद मैं ये दुआ करता हूं कि आप सब लोग मिलजुल कर रहें, आपका परिवार टूटना नहीं चाहिए। मुझे केवल एक ही बात का दुख है दादाजी कि अपनी लाख कोशिशें करने के बाद भी किसी भी तरह मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। उनको तो यही लगता होगा ना कि मैं उनके परिवार को बिखेरने के लिए आया हूं। वो मेरे बारे में चाहे कितना भी बुरा सोचे लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। वो भले ही मुझे अपना शत्रु समझते रहे लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपने पिता की तरह ही समझता रहूंगा। पर एक बात तो निश्चित है दादाजी, अगर मेरी शादी होगी तो कौशल्या के साथ होगी, पर उनकी मर्जी के बिना नहीं। और जब तक वो राजी